यश भाई देख लो भाभी से लग रहा है। हां 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 आई आवर अंकल नमस्ते रोटी के पिंडी के सब्जी ओके बाय। इनसे मिलिए, ये है मिस चीनू। आ गया ये बहुत वन वन लाइफ। YouTube चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अभी आयशा जी के पास जा रही हूँ बिकॉज आज हम लोगों का शूट है गणपति जी का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गणपति जी की क्या बोलते हैं शुभकामनाएं। और अभी मैं आयशा जी के और मैं आज 3 बजे उठी हूँ। 3 बजे के बाद फिर मैंने नहाया है और अभी तक लिटरली अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, बस नहा। जनता माफ नहीं करेगी। सीधे अभी आयशा दी के पास जा रही हूँ बिकॉज उनका कॉल आ चुका है मेरे पास, तो मैं उनके पास जाके आपसे मिलती हूँ। मैं आयशा दीदी के यहाँ आ चुकी हूँ। ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ये देखो अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा खान और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारा मेकअप प्रोडक्ट फैला कर बैठी हूँ और आज का जो शूट है वो मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ क्या क्या हम प्रोडक्ट और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, पहले तो मैं ये दिखाऊंगी आज के शूट के लिए। ये आउटफिट है साड़ी जो कि आलिया भट्ट ने पहना था और अब सेकेंड आलिया भट्ट पहनी थी हमारी सेकेंड गरिमा आलिया भट्ट पहनी थी। और इसके साथ ये बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है जो मैरी कलेक्शन से मैं लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच आंटी कोलैबोरेशन के लिए। और इसकी इयररिंग कितनी प्यारी, बहुत बहुत प्यारी है ये तो। इन्होंने और टीका भी दिया है एंड सेकेंड शूट भी करना है मुझे तो उसके लिए भी ये ज्वेलरी दी है, ये भी बहुत प्यारी है। सब आपको देखने मिलेगी, आप सबके इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो ये झुककर कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मेरे मेकअप के अस्त्र शस्त्र औजार हैं जिससे मैं सबको चेंज करती हूँ, चेंज करके मिलते जमते की बाय। यो तो मिलते हैं मेकअप के बाद गाइस। तो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ देखो, और अभी हम जा रहे हैं नीचे बिकॉज फोटोग्राफर। और ये है इनका फाइनल लुक, आईज क्लोज, बिल्कुल न्यूडी सॉफ्ट ग्लैम लुक किया है। और ये है इनकी आज की कंप्लीट आउटफिट। ये है हमारे ये देखो चंटू बंटू, हमारे दोनों चंटू बंटू हैं फोटोग्राफर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आज तो फाउंडे से लगा क्या सही में। ऐसा लग रहा है मेकअप करके आए ये दोनों। हाँ क्यों, आप भी तो ब्लैक ब्लैक हो। हाँ मैं तो ब्लैक ब्लैक हूँ, मेरा फेवरेट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आयशा खान और आज हम शूट करने वाले हैं गणपति, जो अपकमिंग अभी गणपति फेस्टिवल आने वाला है उस पर हम आज शूट करने वाले हैं। ये है आज हमारा कॉन्सेप्ट और आज का जो लोकेशन है जहाँ पे मैं भोपाल में स्टे कर रही हूँ, मैंने यहीं पे डिसाइड किया कि यहीं पे इसी कॉलोनी में हम शूट करें। लोकेशन देखिए, बना पार्किंग दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये हमारे जो कैमरा मैन है वो लोकेशन की जगह पे हमारे यहाँ का पार्किंग दिखा रहे हैं आपको। ये है गणपति जी माखन खाते हुए और ये भी ये लोग खरीद के नहीं लेकर आए, मांग कर लेकर आए अपने दोस्त की फोटो शूट करके वापस कर देंगे। जुगाड़े भाई, जुगाड़े। हमारी मॉडल ने कॉल किया था पिंगू को कि आप लेकर आ जाना, तो ये पिंगू मत बोल पिंगू। और हैशटैग मैंने एक इनका नहीं सुनो पिंगू, मैंने एक हैशटैग बनाया हैशटैग पिंगू, तो जितने भी लोग हैशटैग इनको टैग करो पिंगू, हैशटैग पिंगू। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। अब देखते हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा, ये हम कल ही अपलोड करेंगे, डेट भी मैं मेंशन नहीं करूंगी, ब्लॉग बाद में भी आ सकता है। ये हमारे फोटोग्राफर ना जाने
क्या मतलब इतना अच्छा इतना बढ़िया ये सब लोकेशन छोड़ के ये फिर कहाँ गायब हो गए हमारे फोटोग्राफर कहाँ गए। अच्छा यहाँ पे हमारे फोटोग्राफर देखें आप किस तरीके से मतलब सारे अच्छे लोकेशन छोड़ के खंडर में घुसे पड़े हैं। ये तो यहाँ पे आज बहुत ही चिल मूड में और शांत मिजाज से हम लोग शूट कर रहे हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे हैं ना ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। वाओ हमारे फोटोग्राफर शूट पे लगे हैं, हमारी मॉडल पोज में लगी हैं और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, कुछ कुछ समथिंग समथिंग देख रही हूँ, बता रही हूँ कैसा है क्या है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आज थोड़ी बहुत अजीब सी टायर टायर सी थकी थकी सी लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं पिया है और आज मैं सिर्फ मैगी खा के हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इंशाल्लाह मैं जल्दी बेहतर हो जाऊँगी पहले जैसी। तो जब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहें, देखते रहें ब्लॉग। यहाँ पे हमारे फोटोग्राफर लगे पड़े हैं शूट में और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खिड़कियों से चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं। और यहाँ पे पार्किंग में लड़कियाँ भी आ आके जूम कर रही हूँ, मैं दिख रही हूँ, देख रही है, स्माइल कर रही हैं। कितने लोगों ने तो आके पूछा भी कि आप शूट करते हो, मुझे भी शूट करवाना है ये वो, बट हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम सबको मना कर रहे हैं कि हम शूट नहीं कर सकते अभी। बस लाएगा क्या है इनकी ज्वेलरी जो कि मेरी कलेक्शन से मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है। इनसे मिली है, ये है शीनू, दीदू की शीनू है, इनके साथ बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आप सभी ने मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ये मेरी बहुत बात मानती है, अभी मैं इसको बोलूँगी शीनू मैं जा रही हूँ, बाय। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी सारे लोकेशन पे तो पिक्चर और वीडियोस क्लिप हो चुकी हैं और अब हम कुछ क्लिप लेने वाले हैं मंदिर की। तो बैक साइड में छोटी सी मंदिर है, वहाँ पे हम ले रहे हैं, देख सकते हैं आप बैक कैमरे से। ये मंदिर है, यहाँ पे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसको शूट करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस हम बनाएंगे। बाप रे भैया तो बिल्कुल नेचुरल स्माइल दे रहे हैं फोटो के लिए। ये हमारे आज के मॉडल। क्या कर रहे हैं यार तू? तब मजाक है क्या? यहाँ पर हमारी मॉडल बिल्कुल थक चुकी हैं और इनके सर में भी ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा ये है। ज्वेलरी इतना हैवी है जिसकी वजह से, और ये पानी पी रही हैं और इनके पप्पा जी गोद में आराम कर रहे हैं और हमारे जो फोटोग्राफर हैं वो अपनी फोटोज खुद निकलवा रहे हैं अपने पार्टनर से, खुद की फोटो शूट करवा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हेलो गाइस, दिस इज आयशा खान लाइफ स्टाइल हेयर एंड नहीं दो मिनट। तो हेलो गाइस, दिस इज खान, हेलो एवरीवन बोलती हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आयशा खान। नहीं बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। और यहाँ पे ये देखिए कितने मस्त फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर जो बट जो अच्छा होता है उसी को अच्छा कहती हूँ, जो बुरा होता है उसको तो कहती नहीं और डालती नहीं मैं अपने प्रोफाइल पे, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये अच्छे हैं, अच्छा फोटो भी लेते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, बहुत अच्छा। और हमारी मॉडल तो अच्छी है, ये आप देख ही सकते हैं, और मैं तो एज यूजुअल अच्छी हूँ ही। और मेरा मेकअप कैसा होता है और मेरे नेचुरल फेस है, मेरे मेकअप के बारे में बताओ। इनका जो मेकअप है देखने को मिलती है, हमने 3 बार शूट किया तो हमें यूनिक ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कभी आंखें इतनी बड़ी तो कभी छोटी तो कभी नहीं, मुझे पता है और आप लोगों को पता है कि मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, ठीक ठाक, बुरा नहीं करती, वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। तो अब हम पैकअप करने वाले हैं, सो ज्यादा बकैदी नहीं करते। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।